आप लोगों के समक्ष ये महाभारत की जो कहानी लेकर के चल रहे हैं, जिस समय द्वापर युग के अंत में भगवान कन्हैया ने पार्थ को भेजा था कि आप गोपियों को बुला करके ले जाएं, तो दोस्तों समय बड़ा बलवान होता है, समय हर रास्ते पर मोड़ करके खड़ा कर सकता है। अर्जुन को एक बार अपने ऊपर ये घमंड हो गया था, गुमान हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बलवान न होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं को मौत के घाट नहीं उतार देता, ये पार्थ के हृदय में भावना बनी। मगर भाइयों, कन्हैया के हृदय में बात गूंज गई को अर्जुन को अपने ऊपर घमंड है और इनका घमंड दूर करना ही मेरा परम कर्तव्य है। श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, सखा तो युग द्वापुर के अंत में कहें कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे, सुनो पार्थ बलवान। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कृष्ण रहे समझाई सुनो चितलाई पार्थ बलकारी, और लेके गोपिका जइयो रे के करियो मती आबारी। गोपियों को अपने साथ बुला के ले जाओ और समझाया, रहे कृष्ण समझाए सुनो चितलाई पार्थ बलधारी, पार्थ बलधारी। आए लेके गोपियां जइयो रे ना करियो तनिक अवारी। गोपियों को यहां से हस्तनापुर ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और रखियो इतनो ध्यान कहे भगवान कथा विस्तारी, कथा विस्तारी। रास्ता में रहते भील बड़े बलकारी, रास्ता में रहते भील बड़े बलकारी। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने अर्जुन गोपिकाओं को अपने पास से, तुम ले जाओ लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि रास्ता में भील रहते हैं, जो भील बड़े ही बलवान हैं, चोरी करना लूटमार करना ये उनका धंधा है। ध्यान रखना इस बात का अर्जुन कि पार्थ मेरे भैया रे निक होशियारी में जइयो, पार्थ मेरे भैया रे निक होशियारी में जइयो। समझाओ भगवान ने,
और वीर धनुर्धारी अर्जुन ने कहो समय तुम रहियो। ध्यान रखना इस बात का, महाराज भील है बन में अति बलवान, और लूटपाट इस दिन करते हैं रखना इतना ध्यान। भैया सुन मोहन की बात, क्रोध अर्जुन को बढ़ियाओ, अब तो सुन के इतनी बात जो सुअर अर्जुन को बढ़ियाओ। भैया सुन के इतनी बात, क्रोध अर्जुन को बढ़ियाओ। कन्हैया ने तो समझाओ और जय कही के जाओ, लेकिन ध्यान जब बात को रखियो कि वो भील बड़े ही शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, लूटमार करना सारे दिन उनका काम है, इसलिए समझदारी का काम है, चले जाओ। जो जबात सुनी है दोस्तों, अरे सुन के मोहन की बानी बोले तबई पार्थ सुज्ञानी। अर्जुन कहने लगे श्याम ना ही बल पे के फिर गा पानी 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 रे गजब हुयो पानी, कर दई मैंने कौरवन की हानि। हमें भीलों की धमकी दे रहे हो और हमें भीलों की कहानी सुना रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है मुरलीधर। और अर्जुन बोले भीष्म जैसे योद्धा मैंने सरसैया पे दैते सुवाई, और दूसरे की बात छोड़ा मुरलीधर, याद होगा तुम्हें पार्थ बोले हरण सुभद्रा को कर लाए बाद न तुमने उलो तो जवाई। चक्रव्यूह की रचना तोड़ी कहता को जाने रे सकल जहान, और कन्हैया जब तक गांडी बहाता है मेरे दुनिया ये करे और हुई जाए। क्या गुणति है भीलन की के बड़े बड़े योद्धा दी हैं गिराई। सोई सुन के बातें अब अर्जुन की कहे कृष्णा चंद्र मुस्कियाई। हुई अभिमान गौ है पारथ को सो हम नीचो दे कराई। मेरे भैया अर्जुन ने जिस समय घमंड भरी बात बोली और ये कहा कि महाराज अकेले मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह जैसे योद्धा को सरसैया पर सुलाया, कौरवों के वंश की हान कर डाली, हमारे बल की अंजबाइश तो तुमने भी कर ली थी सुभद्रा हरण के वक्त पर, क्या तुम हमें भूल बैठे, भील हमारे सामने क्या है। कन्हैया सोचने लगे सच है, अर्जुन को अपने ऊपर नाज है, घमंड है, और इनका घमंड दूर करना है। कन्हैया बोले कहने लगे ठीक है मैं तो जानता हूं और तुम्हारे ऊपर हमें नाज है कि तुम जैसे बहादुर हमारे मित्र हैं,
और तुम जैसे बहादुर हमारे भाई भी हैं। एक काम करो अर्जुन, गांडीव धनुष और ये बाण बहुत दिन से युद्ध ना है बहु है, इन्हें उठाए के हमारे पास ले आओ, हमू देखें। अर्जुन, धन बादे ओ दिखाई पार्थ बलदाई, धनुष कहां है? वो धनुष उठाई ला, उन्हें हमू देखें कैसो है। बहुत दिन आ गए बीत न भई लड़ाई, महाराज श्याम ने कही उनसे समझाई, धनुष बाण देओ हाथ, धनुष बाण देओ हाथ, मैं ही ले बे अजवजवाए। ओरे बंसी वाले श्याम चाल तेरी समझ में नहीं आई, ओरे बंसी वाले श्याम चाल तेरी समझ में नहीं आई। कन्हैया कहने लगे एक काम करो, वो ले आओ और धनुष बाण हमें दिखाओ। चले अर्जुन धनुष बाण ला करके और कन्हैया के हाथ में दिया, कहा कि लीजिए महाराज। भगवान कन्हैया ने अब पार्थ का घमंड तो वैसे भी दूर करना था उन्हें, आगे बढ़े, गांडीव धनुष को अपने हाथ उठाया और धनुष बाण लेबे के बाद मुरलीधर ने उनका बल जितना भी था छीड़ कर दिया। धनुष और बाण लेकर के धनुष की शक्ति को खींच लिया भगवान कन्हैया ने और कही कि ले अर्जुन, ये तो बिल्कुल सही है, मैं जानता था कि लड़ाई नहीं हुई बहुत दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेकार हो चुके हो, लो ये धनुष तुम्हारा बिल्कुल सही। कहे कृष्ण भगवान, कहे कृष्ण भगवान, वीर बलबान न देर लगैयो, अली जो धनुष बाण रे के जल्दी से तुम जइयो। सब बल खींच लो, धनुष और बाण को वैसे ही थोते बाण करने के बाद में पकड़ा दिए और कहा ये तो बिल्कुल सही है अर्जुन, बिल्कुल सही है, ले जाओ जाओ। कहे कृष्ण भगवान, पीरा बल बाण न देर लगैयो, न देर लगैयो, लीजो धनुष बाण रे जल्दी से भैया जइयो। हंसी खुशी से जाओ मती घबराओ न बिलम लगइयो, उन भीलन से ने कजो बच के रहियो, उन भीलन से थोड़े बच के रहियो। आ
कन्हैया ने धनुष बाण पकड़ाओ और जवाब दई पार्थ जे ले जाओ। और बाद में फिर दोहराए कि जय बात फिर कह दई कि बचे रही हो भीलन से। अर्जुन कहने लगे आप घबराइए नहीं, अरे भील हमारे पास आएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे। उसी समय अर्जुन ने धनुष बाण लावा तरे ना पलकी देर लगाई। जब धनुष बाण हाथ में उठाओ हाय छी का सामने हो गई रे, जग छी का सामने हो गई रे, मन सोच रहो बलदाई। धनुष बाण जब उठाओ सामने छींक हुई गई, महाराज सामने सांप रहो लहराए, अर्जुन देख के अर्जुन के दिल कया बेक जाए। जैसे ही बिन्ने हाथ में धनुष बाण उठाओ सामने छींक हो गई और क्या हुआ, और महल से कदम रखो आगे गोरी दे घड़ा उठे दे गहराई, और भैंसा चढ़ो ग्वाल को देखो फिर रहे स्यारा दादा मोहबा। सोचे बालधारी ने जमाना में विधना कहा रची करदारी, नौजवान साथियों जिस समय अर्जुन चले हैं आगे के लिए लेकिन असगुन निहार करके हृदय में भावना कुछ और बनी, दिल कुछ दबने लगा, पार्थ के हृदय में बड़ी बातें आने लगी, सोचने लगे समझ में नहीं आता आज बात क्या है। असगुन निहार करके श्रोता बंधुओं हृदय में बड़े विचार, गोपिकाओं को साथ लिया, चलने के लिए जब तैयार हुए हैं लेकिन दिल कुछ दबने लगा। मगर भगवान कन्हैया के भेजे हुए पार्थ आगे को चले। भाइयों कि कर में बाण ले करारे दुलारे चले हैं कुंती मात के, कर में बाण लकरारे कर में बाण लकरारे दुलारे चले हैं कुंती मात के, आगे को बढ़न लगे हैं जब पार्थ लीनी संग गोपिका भवन कर लो धनुष उठाई,
धनुष बाण हाथ में लयो, मुरलीधर का ध्यान हृदय में रखा, बढ़ने लगे। अरे रथ में बैठ गोपिका धाई, आगे की सीध लगाई, बबलधारी मां कुंती को, बबलधारी मां कुंती को, चलो वीर हरसाई। हमारे दुलारे चले हैं कुंती मात के, जिस समय अर्जुन गांडीव धनुष को हाथ में लेकर के चले हैं, गोपिकाओं को साथ में लेकर के आगे को बढ़ने लगे हैं, चलते चले गए, लेकिन हृदय में भावना कुछ और बन रही थी। तो बड़े खुशी के साथ धनुष ले हाथ के बढ़े अगारी, अर्जुन बड़ी खुशी के साथ धनुष ले हाथ के बढ़े अगारी, अब कट बनी गए आए रे के तन कन करी अवारी। धनुष बाण लेके गोपिकाओं को साथ लेकर के बनी में पहुंचे। ए तुरत अगारी चले स्वभाव के भले, सुनो सरदारी सुनो सरदारी, पारथ को देख के भील दे तकिलकारी, पारथ को देख के भील दे तकिलकारी, नौजवान साथियों जिस समय पार्थ आगे को बढ़ते हुए जंगल में पहुंचे हैं और जो दूर से अर्जुन को देखा और गोपिकाओं को साथ में देखा, भीलों ने बहुत खुश हुए, किलकारियां भरते हुए आवाज लगाते हुए कहने लगे, आज तो परमात्मा ने घर बैठे शिकार भेज दी। उसी समय मेरे भैया कि देख पार्थ को भील सब खुशी भय है अपार, और घर बैठे शिकार तुम भेज दई करतार। भील सब भगवान से विनती करने लगे और सोचने लगे परमात्मा ये तो अच्छा हुआ, अरे कहां जाते लूटमार करने के लिए, आज तो यहां हां माल ही माल है। कुंती नंदन के निकट और पहुंच गए तत्काल, घेरो चारों ओर से सुनो यगारी हाल। जहां अर्जुन रथ पर बैठे हुए थे, भील चारों तरफ से दौड़े, पार्थ को घेरा और पार्थ को घेर करके भील कहने लगे, इस तरह से तुम निकल के नहीं जा पाओगे। क्या मतलब? भील कहने लगे कि यहां पर
यहां का राजा मैं ही हूं और यहां पर जो भी कुछ करता हूं मैं ही करता हूं। सोई आगे बढ़ के पार्थ ने कहो न को वचन सुनाओ, अर्जुन कहने लगे अरे भीलो काय के चक्कर में हो, भील कहने लगे घबराओ नहीं कुछ नहीं कह रहा हूं। हाय बड़े दिनन के बाद में भील बोले बड़े दिनन के बाद में के समय लूट को आओ, आगे बढ़ के भील बोले और सुनो हमारी न बढ़ो अगारी बलकारी पारा था बलवान, चाहो जिंदगी करो न देरी धर देव धरती धनु सर बाण, और जवाब दो भीलन ने अर्जुन अरे को न हो सला में भूले हो सबर ही दी है ठसक भुलाई, और जो है गहना मानो कहना हंसी खुशी से देव गहाई, और सुन के बाती अब भीलन की गुस्सा गई थी बदन में छाई, अधन सबान कर लो वीर ने तब भीलन सोकाई सुनाई, मेरे भैया आगे बढ़ करके भीलों ने जिस समय म्यान से तलवार खींची और कहने लगे अर्जुन यह कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, यह कौरव की सेना नहीं है जिसे तुम मौत के घाट उतार दोगे, आज या तो हंसी खुशी से जितने भी गहना है वो उतार करके और आप हमें दे दो, अगर तुमने हमारे कहने से ऐसा नहीं किया तो हम अपने हाथ से लूट मार करना भी जानता हूं। अर्जुन कहने लगे अरे भीलो क्यों बेमतलब में कायरों की तरह से गाल बजा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे गाल बजाते हुए, तू जाने ना मोई। अर्जुन बोले
और तू जाने ना मोई बताई दऊ तो ये बात सुन मेरी। और सुन ले नीचे गमार रे के बुद्ध नाही अब तेरी। तू सुन ले नीचे गमार रे के बुद्ध गई तेरी मारी। तुम हमें नहीं जानते हो। होशियार करी अंधेरी अब ले तलवारी उठाई करे मत देरी। ले तलवारी उठाई करे मत देरी। आगे बढ़कर के पार्थ कहने लगे कंबख्तो शायद तुमने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा। बेमतलब में बातें कर रहे हो, गाल बजा रहे हो। तुम हमें नहीं जानते। अरे हूं मैं कुंती को यो तारी। समझाए कि पार्थ बोले हूं मैं कुंती को यो तारी और अर्जुन वीर रे महाबलकारी। अरे कौरव की सेना सारी मैंने काट काट के डारी। उसी समय अर्जुन कहने लगे तुम पहचानते नहीं हमें, शायद भूल गए हो। मैं भाई अर्जुन हूं। अरे तर तर घर घर जग में चाहर है ये बता रे पार्थ बलवान है गंडी बहात में मेरे के जाको जान तू है सकल जहां। और बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिन और रात हाई बजी तलवारी। एक दुनिया जाने मोय पहचाने के अकेले दल सब दो नसाई। सुन के अब अर्जुन की सब ही भील रे गए झुझलाई। दोस्तों जिस समय आगे बढ़ करके अर्जुन से भील भिड़ जाते हैं और कहने लगे हैं कि तुम्हारे पास कोई बहादुरी नहीं है, तुम्हारे पास में सिर्फ एक बड़ी बहादुरी है कि तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाइयां करना जानते हो। और अपने मुंह से बड़ाई करने वाला इंसान वो कुछ नहीं होता है अर्जुन।
जंगल में उसी समय अरे भील गए खिसियाई के मोसे बन रहे बलधारी मोसे बन रहे बलधारी वो भक्त हतो कछु और के अब मोसे नहीं बलधारी समझाए कि भील बोले भील गए खिसियाई के मोह से बन रहे बलकारी जो मोह से बन रहे बलकारी वो भक्त हतो कछु और न अब मोह से तुम बलधारी लियो मेरी बात अभी मानी लियो तुम बात अभी मानी इनकारी यदि कर दई होएगी खत्म ये जिंदगानी समझाए कि भील बोले ऐसे नहीं जा पाओगे तुम बाद में तुम पछताओगे बिना दिए धन माल लौट के तुम नहीं जाओगे क्रोध यार जो न को आई गो क्रोध यार जो न को आई गो सुन भीलन की बात के फौरन धन बात लो अर्जुन कहने लगे ओरे कमीन सूरवीर का ये धर्म नहीं होता है युद्ध क्षेत्र में जाकर के वीरों के सामने गाल बजाए इसलिए पार्थ कहने लगे गाल क्यों बजा रहा है कि मैं ताल ठोकता जाता हूं तू बातें करता जाता है बातें करता जाता है कर कसा नारियल की नाही नाहक चेटक दिखलाता है कर कसा नारियों की नाही नाहक चेटक दिखलाता है जवाब दिया जब युद्ध करने का तेरा इरादा है तो गाल क्यों बजा रहा है दोस्तों जो ये शब्द सुने हैं अर्जुन के तो भील समझाए कि बोले जितना भी जेवरात है गोपियों पर वो सब जेवरात उतार के दे दो अन्यथा तुम्हारी भलाई नहीं है तुम्हारी जिंदगी मौत में बदल दी जाएगी भील रहे हर साई पार्थ खिसियाई कहीं समझाई और जो है वीर करे क्यों देरी ले तलवार उठाई और कमीना हाँ बहादुर लोग कभी युद्ध में जाकर के गाल नहीं बजाते अगर तेरी भुजाओं में मां का खौलता हुआ गरम गरम दूध है
तो खींच तलवार। तुम सबरे हो या चोर करे क्यों शोर, मौत तेरी आई मौत तेरी आई। सो इतनी कई के लीनो धनुष उठाई, इतनी कई के लीनो धनुष उठाई। दोस्तों आगे बढ़ करके अर्जुन ने धनुष हाथ उठाया और कहने लगे कि मैं समझ गया कि तुम्हारी मौत है और तुम मानोगे नहीं। भील कहने लगे तो तुम भी ऐसे नहीं मानोगे, हम जानते हैं तुम भी नहीं मानोगे। सोई भील गए खिसियाए रे एक संग सब ही टूटे। दोस्तों जंगल के बीच में सोई भी लगा खिसिया रे एक संग धर के टूटे। और दशा देख के अर्जुन के बन बीच में छक्का छूटे। महाराज पार्थ ने लीनो बाण चढ़ाई, पर ईश्वर की गते सके नारण में बाण चलाई। बाहरे समय बाहरे वक्त महाराज पार्थ ने लीनो बाण चढ़ाई, पर ईश्वर की गति सके नारण में धनुष चलाई। वही अर्जुन जिनके गांडीव धनुष की टंकार से गर्भिणी औरतों के गर्भ गिर जाते थे, वही अर्जुन जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जैसे योद्धा को सरसैया पर सुलाया था, वही अर्जुन आज जंगल में घिरे हैं, धनुष उठाया लेकिन काम नहीं कर रहा। प्रमाण तो यहां तक देखा है शास्त्र, उस महाभारत में शास्त्र में सीधो भवन बाण भूप पारथ ने बहुत चलाओ है, और तीन लोक को विजय करैया जो कामना आओ है। दोस्तों अर्जुन बड़े बड़े जन सूरहने हर काल तलक घबराओ है, और वो भी समय था यार एक दिन घर घर बिघुल बजाओ है। भीलों के बीच में घिरे हैं, धनुष और बाण ही नहीं बल्कि भुजाएं भी काम नहीं कर रही हैं। मेरी तो समझ में सिर्फ एक ही बात आई दोस्तों, समय समय की बात यार ये समय बड़ो बलकारी है। समय पे पुत्री बाप के संग और समय पति की नारी है। समय बड़ा बलवान होता है, समय पे बिटिया बाप के संग लड़की बन के रहते हो, भाई समय पे पति की पत्नी बन के रहा। ए समय समय की बात यार ये समय बड़ो बलकारी है।
समय पे पुत्री पिता के संग और समय पति की नारी है। समय पर अंकस भूप भले और समय पे भूप भिकारी है। समय पे प्यारे माता पिता से समय पे प्यारी नारी है। नौजवान साथियों, आज वो धनुष बाण भी सीधा नहीं हुआ। पार्थ हैरान हो गए, सर को पकड़ करके रथ पर बैठ गए, सोचने लगे भगवान श्याम ये क्या हो रहा है। मैं वही अर्जुन हूं जो गंडीव धनुष की टंकार से गर्भिणी औरतों के गर्भ गिर जाते थे, लेकिन आज ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि समय समय की बात है, ये समय बड़ो बलवान, अरे भीलन लूटी को पिकासो बे अर्जुन बेईमान। दोस्तों जेवरात जब लूटने लगे हैं भील, पार्थ सर को पकड़ करके बैठ गए, हृदय में कोई बात नहीं आई, सोचने लगे मेरे आंखों के सामने ये दशा। एक जगह तो ये लिखा देखा है कि भीलों ने अपने हाथ से जेवरात उतारे थे, एक जगह ये लिखा देखा है कि गोपिकाओं ने अपने हाथ से जेवरात उतार करके, गहने उतार करके भीलों के आगे फेंक दिए थे। दोस्तों उसी समय अरे पारा था दिल में कर घावा लाई, ओ तभीलन भी जेवर था सब उतर बा लिया। हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रहे हैं अर्जुन अब क्या होगा, क्या कहूंगा भगवान श्याम से। उन्होंने गोपिकाओं को मेरे साथ भेजा था और मेरे आंखों के सामने गोपिकाओं की दशा। हाय दुर्दशा देख के गोपिकन की लीनी नजर घुमाई, देखा गोपिकाएं अपने हाथ से जेवरात उतार उतार के फेंकने लगी। बाहर समय दोस्तों लिखा तो यहां तक देखा है, कुछ गोपिकाएं तो यहीं पर अपना प्राण छोड़ करके स्वर्ग के लिए चली जाती हैं, कुछ गोपिकाएं अपने हाथ से जेवरात उतार के फेंकने लगी हैं, भीलों से दूर खड़ी हो गई। दुर्दशा देख के गोपिकन की लीनी नजर झुकाई,
चारी हजार रे ना बाण चलो मेरे भाई। मेरे भैया महाराज भी लौट कर रहे मन मानी, कैसे मुख दिखलाए के अर्जुन मर बेगी ठानी। ओए बंसी वाले श्याम खेलो तेरो समझ में नहीं आओ, ओरे बंसी वाले श्याम खेल तेरो समझ में नहीं आओ। नौजवान साथियों, पार्थ ने सोचा कि कैसे मुंह दिखाऊंगा, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। अब मैं दुनिया में जीवित नहीं रहूंगा, तो एक जगह यह भी लिखा देखा, अर्जुन दिल है रान सुना दे ध्यान सभा के भाई। और कैसे मुख दिखाए हैं रे हाथन से चिता बनाई। क्या करूंगा क्या कहूंगा, अर्जुन ने और कैसे मुख दिखलावे रे निज हाथन चिता बनाई। मरबे को भय तैयार सुना सरदारन देर लगाई। उत्मन मोहन गए जाने चले हैं कन्हाई, मन मोहन गए जाने के चले हैं कन्हाई। दोस्तों अपने हाथ से चिता बनाई है और चिता बनाने के बाद में अर्जुन मरने की जिद ठान बैठे। दोस्तों महाभारत में कहीं पर यह भी लिखा आया है कि अर्जुन को यहां पर ज्ञान हो गया था कि मैंने अभिमान किया था, जिसका नतीजा जिसका परिणाम हमें यह मिला। एक जगह यह लिखा देखा कि जब अर्जुन ने मरने की जिद ठानी कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने देर लगाई। जवाब दो भैया, पार्थ मरवे जा रहे हो। महाराज करो है बल पे तुम अभिमान, अरे महाभारत लो जीते, महाभारत लो जीते, समझ गए मैं हूं अति बलवान। तासे सोच समझ ले पार्थ काय को मरवे की ठानी है, तासे सोच समझ ले पार्थ काय को मरवे की ठानी है।
प्रमाण यह भी मिला कि अर्जुन के पास भगवान श्याम गए हैं, उन्होंने याद दिलाते हुए कहा है कि अर्जुन तुम्हें अपने ऊपर घमंड था, नाज था कि महाभारत के युद्ध पर मैंने विजय प्राप्त की है, मैं बहादुर हूं। सिर्फ यह तुम्हें दिखाना था कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम्हारा घमंड भी दूर करना था। अर्जुन, इंसान का घमंड दूर करना यही तो मेरा परम कर्तव्य है और घमंड ही मेरा भोजन है। उसी समय मेरे भैया तब ठाड़े तैयार अर्जुन पाए न गिर गए मेरे दीन बंधु भगवान, तुम्हारे बल पर सब कुछ की नौतन पे छाई गो तो अभिमान। अरे जैसो करो भरो मिल बैसो जग में पाई लो अपमान, अब कैसे मुख दिखावे जब को कैसे मुख दिखावे जग को सोच के दे अपनी जान। और सोचने लगे मगर दोस्तों ध्यान रखना, ना ही गर्व चलो काहू को न्याय रूप वो श्री करतार, पेश गई ना बलबानन की बासे बड़े बड़े गए हारी। और घमंड रहो ना बारा बड़ को जाको घनो कुटुंब परिवार, और जाने की यो गर्व तन धन पैता को हुई गो बंटा धार। दोस्तों समझा करके भीलों को वहां से विदा किया है, भगवान श्याम सुंदर ने पार्थ को भी समझाया है, क्षमा करें। की भेंट कसी है
बिना हमारी हंसी है कन्हैया बंसी बारे हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारा करो जी हमारे लीजो खबरी तोहर कबाले श्रीपति नंद दुलारे तुम्हें बम कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली ब्रजेश की लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधुओं, त्रिमूर्ति कैसेट के द्वारा आप लोगों के समक्ष ये महाभारत की जो कहानी लेकर के चल रहे हैं, जिस समय द्वापर युग के अंत में भगवान कन्हैया ने पार्थ को भेजा था कि आप गोपियों को बुला करके ले जाएं, तो दोस्तों समय बड़ा बलवान होता है, समय हर रास्ते पर मोड़ करके खड़ा कर सकता है। अर्जुन को एक बार अपने ऊपर ये घमंड हो गया था, गुमान हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बलवान न होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं को मौत के घाट नहीं उतार देता, ये पार्थ के हृदय में भावना बनी। मगर भाइयों, कन्हैया के हृदय में बात गूंज गई को अर्जुन को अपने ऊपर घमंड है और इनका घमंड दूर करना ही मेरा परम कर्तव्य है। श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, सखा तो युग द्वापुर के अंत में कहें कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे सुनो पार्थ बलवान। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कृष्ण रहे समझाई सुनो चितलाई पार्थ बलकारी और लेके गोपिका जइयो वे कह करियो मती आबारी। गोपियों को अपने साथ बुला के ले जाओ और समझाया, रहे कृष्ण समझाई सुनो चितलाई पार्थ बलधारी पार्थ बलधारी। आय ले की गोपियां जइयो वे ना करियो तनिक अवारी। गोपियों को यहां से हस्तनापुर ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और रखियो इतनो ध्यान कहे भगवान कथा विस्तारी कथा विस्तारी। रास्ता में रहते भील बड़े बलकारी रास्ता में रहते भील बड़े बलकारी। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने अर्जुन
गोपिकाओं को अपने पास से तुम ले जाओ, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि रास्ता में भील रहते हैं, जो भील बड़े ही बलवान हैं, चोरी करना लूटमार करना यह उनका धंधा है। ध्यान रखना इस बात का अर्जुन कि पार्थ मेरे भैया रे निक होशियारी में जइयो, पार्थ मेरे भैया रे निक होशियारी में जइयो। समझाओ भगवान ने, और वीर धनुर्धारी अर्जुन ने कहो समय तुम रहियो, ध्यान रखना इस बात का। महाराज भील है बन में अति बलवान, और लूटपाट इस दिन करते हैं, रखना इतना ध्यान। भैया सुन मोहन की बात, क्रोध हुआ अर्जुन को बढ़ियाओ, अब तो सुन के इतनी बात, जोश हुआ अर्जुन को बढ़ियाओ, भैया सुन के इतनी बात, क्रोध हुआ अर्जुन को बढ़ियाओ। कन्हैया ने तो समझाओ और जय कही के जाओ, लेकिन ध्यान जब बात को रखियो कि वो भील बड़े ही शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, लूटमार करना सारे दिन उनका काम है, इसलिए समझदारी का काम है, चले जाओ। जो जब बात सुनी है दोस्तों, अरे सुन के मोहन की बानी बोले तब ही पार्थ सुज्ञानी, अर्जुन कहने लगे श्याम ना ही बल पे के फिर गा पानी 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 रे गजब हुयो पानी, मैंने कौरवन की हानि, हमें भीलों की धमकी दे रहे हो और हमें भीलों की कहानी सुना रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है मुरलीधर। और अर्जुन बोले भीष्म जैसे योद्धा मैंने सरसैया पे दैते सुवाई, और दूसरे की बात छोड़ा मुरलीधर, याद होगा तुम्हें पार्थ बोले हरण सुभद्रा को कर लाए बाद न तुमने उलो तो जवाई, चक्रव्यूह की रचना तोड़ी कहता को जाने रे सकल जहान, और कन्हैया जब तक गांडी बहाता है मेरे दुनिया ये करे और हुई जाए, क्या गुणती है यो न भीलन की के बड़े बड़े योद्धा दी हैं गिराई, सोई सुन के बातें अब अर्जुन की कहे कृष्णा चंद्र मुस्कियाई,
अभिमान गौ है पारथ को सो हम नीचो दे कराई। मेरे भैया अर्जुन ने जिस समय घमंड भरी बात बोली और ये कहा कि महाराज अकेले मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह जैसे योद्धा को सरसैया पर सुलाया, कौरवों के वंश की हान कर डाली, हमारे बल की अंजवाइश तो तुमने भी कर ली थी सुभद्रा हरण के वक्त पर, क्या तुम हमें भूल बैठे? भील हमारे सामने क्या है? कन्हैया सोचने लगे सच है, अर्जुन को अपने ऊपर नाज है, घमंड है और इनका घमंड दूर करना है। कन्हैया बोले, कहने लगे ठीक है, मैं तो जानता हूं और तुम्हारे ऊपर हमें नाज है कि तुम जैसे बहादुर हमारे मित्र हैं और तुम जैसे बहादुर हमारे भाई भी हैं। एक काम करो अर्जुन, गांडीव धनुष और ये बाण बहुत दिन से युद्ध नाय बहु है, इन्हें उठाए के हमारे पास ले आओ, हमू देखें। अर्जुन, धन बाते ओ दिखाई पार्थ बलदाई, धनुष कहां है? वो धनुष उठाला उन्हें, हमू देखें कैसो है। बहुत दिन आ गए बीत न भई लड़ाई, महाराज श्याम ने कहीं उनसे समझा, धनुष बाण देओ हाथ, धनुष बाण देओ हाथ, मैं ही ले बे अजवजवाए। ओरे बंसी वाले श्याम चाल तेरी समझ में नहीं आई, ओरे बंसी वाले श्याम चाल तेरी समझ में नहीं आई। कन्हैया कहने लगे एक काम करो, वो ले आओ और धनुष बाण हमें दिखाओ। चले अर्जुन धनुष बाण ला करके और कन्हैया के हाथ में दिया, कहा कि लीजिए महाराज। भगवान कन्हैया ने अब पार्थ का घमंड तो वैसे भी दूर करना था उन्हें, आगे बढ़े, गांडीव धनुष को अपने हाथ उठाया और धनुष बाण लेबे के बाद मुरलीधर ने उनका बल जितना भी था छीड़ कर दिया। धनुष और बाण लेकर के धनुष की शक्ति को खींच लिया भगवान कन्हैया ने और कही कि ले अर्जुन, ये तो बिल्कुल सही है, मैं जानता था कि लड़ाई नहीं हुई बहुत दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेकार हो चुके हो, लो ये धनुष तुम्हारा बिल्कुल सही। कहे कृष्ण भगवान, कहे कृष्ण भगवान, वीर बलवान न देर लगयो, अली जो धनुष बाण रे के जल्दी से तुम जइयो।
थोड़ा बल खींच लो। धनुष और बाण को वैसे ही थोते बाण करने के बाद में पकड़ा दिए और कहा ये तो बिल्कुल सही है अर्जुन, बिल्कुल सही है, ले जाओ जाओ। कहे कृष्ण भगवान पीरा बल बाण न तेरा लगाइयो न तेरा लगाइयो, लीजो धनुष बाण रे जल्दी से भैया जइयो। हंसी खुशी से जाओ मती घबराओ न बिलम लगाइयो, उन भीलन से ने कजो बच के रहियो, उन भीलन से थोड़े बच के रहियो। कन्हैया ने धनुष बाण पकड़ाओ और जवाब दई पार्थ जे ले जाओ, और बाद में फिर दोहराए कि जय बात फिर कह दई कि बचे रही हो भीलन से। अर्जुन कहने लगे आप घबराइए नहीं, अरे भील हमारे पास आएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे। उसी समय अर्जुन ने धनुष बाण तरे ना पलकी देर लगाई। जब धनुष बाण हाथ में उठाओ, हाय छी का सामने हो गई रे, जग छी का सामने हो गई रे, मन सोच रहो बलदाई। धनुष बाण जब उठाओ सामने छींक हुई गई, महाराज सामने सांप रहो लहराए, अर्जुन देख के अर्जुन के दिल ये कया बेक जाए। जैसे ही बिन्ने हाथ में धनुष बाण उठाओ सामने छींक हुई गई और क्या हुआ, और महल से कदम रखो आगे गोरी बेघड़ा उठे बे गहराई, और भैंसा चढ़ो ग्वाल को देखो फिर रहे स्यारा दादा मोहवाई। सोचे बालधारी ने जमाना में विधना कहा रची करदारी, नौजवान साथियों जिस समय अर्जुन चले हैं आगे के लिए लेकिन असगुन निहार करके हृदय में भावना कुछ और बनी, दिल कुछ दबने लगा, पार्थ के हृदय में बड़ी बातें आने लगी, सोचने लगे समझ में नहीं आता आज बात क्या है। असगुन निहार करके श्रोता बंधुओं हृदय में बड़े विचार, गोपिकाओं को साथ लिया चलने के लिए जब तैयार हुए हैं लेकिन दिल कुछ दबने लगा, मगर भगवान कन्हैया के भेजे हुए पार्थ आगे को चले। भाइयों कि कर में बाण ले करारे दुलारे चले हैं कुंती मात के,
आगे को बढ़न लगे हैं जब पार्थ लीनी संग गोपिका भवन कर लो धनुष उठाई कर अभिमान चले आगे को कर अभिमान चले आगे को सुमिर के कृष्ण कनाई लीजो खबर बंसी वारे दुलारे चले हैं कुंती मात के धनुष बाण हाथ में लयो मुरलीधर का ध्यान हृदय में रखा बढ़ने लगे अरे रथ में बैठ गोपिका धाई आगे की सीध लगाई बोबलधारी मां कुंती को चलो वीर हरसाई कोई हमारे दुलारे चले हैं कुंती मात के श्रोता बंधुओं जिस समय अर्जुन गांडीव धनुष को हाथ में लेकर के चले हैं गोपिकाओं को साथ में लेकर के आगे को बढ़ने लगे हैं चलते चले गए लेकिन हृदय में भावना कुछ और बन रही थी तो बड़े खुशी के साथ धनुष ले हाथ के बढ़े अगारी अर्जुन बड़ी खुशी के साथ धनुष ले हाथ के बढ़े अगारी अब बिकट बनी गए आए रे के तनिकन करी अवारी धनुष बाण लेके गोपिकाओं को साथ लेकर के बनी में पहुंचे ए तुरत अगारी चले स्वभाव के भले सुनो सरदारी पारथ को देख के भील दे तके लकारी पारथ को देख के भील दे तके लकारी नौजवान साथियों जिस समय पार्थ आगे को बढ़ते हुए जंगल में पहुंचे हैं
और जो दूर से अर्जुन को देखा और गोपिकाओं को साथ में देखा भीलों ने, बहुत खुश हुए, किलकारियां भरते हुए आवाज लगाते हुए कहने लगे, आज तो परमात्मा ने घर बैठे शिकार भेज दी। उसी समय मेरे भैया कि देख पार्थ को भील सब खुशी भय है अपार, और घर बैठे शिकार तुम भेज दई करतार। भील सब भगवान से विनती करने लगे और सोचने लगे परमात्मा ये तो अच्छा हुआ, अरे कहां जाते लूटमार करने के लिए, आज तो यहां हाँ माल ही माल है। कुंती नंदन के निकट और पहुंच गए तत्काल, घेरो चारों ओर से सुनो यगारी हाल। जहां अर्जुन रथ पर बैठे हुए थे भील चारों तरफ से दौड़े, पार्थ को घेरा और पार्थ को घेर करके भील कहने लगे, इस तरह से तुम निकल के नहीं जा पाओगे। क्या मतलब? भील कहने लगे कि यहां पर यहां का राजा मैं ही हूं और यहां पर जो भी कुछ करता हूं मैं ही करता हूं। सोई आगे बढ़ के पार्थ ने कहो न को वचन सुनाओ, अर्जुन कहने लगे अरे भीलो काय के चक्कर में हो, हाय आगे बढ़ गए अर्जुन ने कहा।